नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता बैठक कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नंदिनी गोड़ एवं संचालन जयराम यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोर निंदा करने वाले समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हल्दा यादव अपने गिरबान में झांके। लोकतंत्र की परिभाषा समझाने वाले खुद को लोकतंत्र की समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रदेश महासचिव हौसला राजभर ने कहा कि दिनांक 15 फरवरी 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा सपा के जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलाधिकारी के एवं मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित मांग पत्र 1 बजे दिन में सौंपा जाएगा। और साथ ही साथ में प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ सपा द्वारा उत्पीड़न अगर किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में गणेश गौतम प्रदेश मीडिया प्रभारी, जयराम यादव, रामभजन पासवान, राजकुमार सरोज, सुकैलेश प्रधान, रामसन राम, ब्रिजेश राजभर, राम धवल आदि, दिलीप शिल्पकार, रीतम राजभर समेत अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता बैठक का आयोजन हुआ था, इसमें उपस्थित रहे हैं। और साथ ही साथ आजमगढ़ जनपद के कार्यप्रणाली और कुछ जो विपक्ष जो आज सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो अपने गिरिबान में झांकने का काम नहीं करते हैं। वो जमात की बात तो सिर्फ मंचों पे करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है अपने घर में रखते हैं। मैं आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के बयानों की निंदा करता हूं, और उनके जो बयान थे वो तथ्यगत नहीं थे, वो समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। ये सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य बने और जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उसके बाद ये जो हमारे इनके पार्टी के संस्थापक संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव के सांसद प्रतिनिधि रहे। इसमें वर्तमान जो यहाँ के सांसद हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो उनके जो है ये प्रतिनिधि हैं। जिला पंचायत विभाग के इनकी बहू मीरा यादव जी जिला पंचायत विभाग के अध्यक्ष हैं। और इनके कार्यप्रणाली इतने उत्तम है कि जितने भी जिला पंचायत परिषद की जमीनें हैं औने पौने दामों पर अलाट कर दिया गया है, जिसकी जांच आख्या भेजी जाती है, उसमें यहाँ के अपर अधिकारी भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इन लोग द्वारा मिलकर सरकार की जमीनों को बगैर कोई खुली बैठक के अलाटमेंट कर दिया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मस्थान के पास वो खाली पड़ी जमीन थी जिसमें गाड़ी और पार्क होते थे, बाल विकास बाल आवास था, और वहाँ पर तमाम जो है आप देख ही रहे होंगे वहाँ व्यवस्था, वहाँ की भी जमीनों को जो है अलाट कर दिया गया है। अभी जल्द में कुछ दुकानों का अलाटमेंट किया गया था जो बिल्कुल अनलीगल था, उस पर हमने जांच की मांग किया था, लेकिन जांच किसको मिली? जिसके खिलाफ जांच थी। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं उनको तो इतना पढ़ा लिखा तो है, उनको पता होना चाहिए आईएस आईपीएस को आईएस को कि यह जाँच अगर फला को है तो इसकी जाँच फला से करानी चाहिए या किसी दूसरे अधिकारी से उच्चस्तरीय करानी चाहिए। मजिस्ट्रेटिक जाँच कराने की बात की गई थी, लेकिन वो जांच खुद उसी विभाग के अपर अधिकारियों को दिया गया, तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ आरोप तय नहीं कर सकता है, इसलिए उसको भेजा। उसके खिलाफ हमने पुनः एक मांग पत्र तैयार किया है जो दिनांक 15 तारीख को 1 बजे जिलाधिकारी के नाम के संबोधित के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से पत्र हम लोग सौंपेंगे और उसको तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे कि इन पर CBCID या उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, इनकी निष्पक्षता पूर्वक जांच हो, इनके काले धनों की जांच हो, इनके कार्यप्रणाली की जांच हो, जो इस तरह से समाज में गुमराह करते हैं, समाजवाद के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और काला धनों को इकट्ठा करके ईमानदारी की बात बताते हैं। मैं पूछता हूं हवलदार यादव जी से, आपने कितने गरीबों को परिषद की जमीनों का आवंटन किया? किस गरीबों को आपने उठाने का काम किया? आपको जिसने उठाया आप उससे भूलने का काम किए, और आपने जो समाजवादी पार्टी की छवि यहाँ पे धूमिल करने का काम किया, आपने जो है सांसद निधियों का अभी तक कहीं कभी प्रयोग नहीं हुआ, इसकी भी एक जांच का विषय है, कहाँ कहाँ पे अलाट किया गया अभी जांच कराई जाएगी, और वर्तमान सांसद के निधियों का क्या अनुपालन हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है कोई पता नहीं चल रहा है, ये भी एक जाँच का विषय है। मैं इसकी कड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करूँगा और
इनके द्वारा कभी भी कोई घृणित कार्य मेरे ऊपर या मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया जाएगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सुरक्षा का भी मांग करूंगा। इसी के साथ अपने बारे में विराम देता हूं।